यहाँ क्या कर रही हो? मैं कब से आपको कॉल कर रही थी, लेकिन आपका नंबर बंद जा रहा था, इसीलिए यहाँ आई। तुम यहाँ से जाओ, घर की बात घर में ही करेंगे। लेकिन बात तो ऑफिस से शुरू हुई थी ना, तो यहीं पे कर लेते। वाह अरसलान, तुम्हारी बीवी तो काफी स्मार्ट है। सामिया, बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। अरसलान, मैं आपसे बात करनी है, बात किए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मैंने कहा ना। लेकिन मुझे आपसे बात करनी है, आपने जो मुझ पर इल्जाम लगाए थे, मैं सिर्फ वही क्लियर करने आई। ये इल्जाम नहीं, हकीकत है। हकीकत तो वो है जो मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ। मैं फुरकान को अपना छोटा भाई कहती हूँ, क्या आप फरिया को अपनी छोटी बहन कह सकते हैं? शट अप, इस तरह की बातें करके मुझे उलझाने की कोशिश मत करो तुम। ताल्लुकात में गलत फहमियां भर जाए ना, तो ताल्लुकात को खत्म नहीं करना चाहिए, गलत फहमियों को दूर करना चाहिए। गलत फहमियां तब पैदा होती हैं जब ताल्लुकात कमजोर हो या यकतरफा हो। कभी कभी गलत फहमियां पैदा की जाती हैं और जो दीवार कमजोर हो वहीं पे चोट लगाई जाती है। क्या डाउट, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अरसलान, मैं यहाँ आपसे बात करने नहीं आई हूँ, सिर्फ बात क्लियर करने आई हूँ। आपकी जो मम्मी है ना, मेरे खानदान को बदनाम करना चाहती है। उन्हें लगता है कि वो मुझे बदनाम करके आपके एक्स्ट्रा अफेयर पर पर्दा डाल रही है। सामिया, अभी के अभी यहाँ से चली जाओ, वरना मैं यहाँ पे गार्ड्स को बुला दूंगी तुम्हें निकलवाने के लिए। मुझे ऑफिस में कोई तमाशा नहीं चाहिए, तुम जाओ यहाँ से। सामिया, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है और दोबारा यहाँ कदम मत रखना, वरना एक मिनट नहीं लगाऊंगा ये रिश्ता खत्म करने में। बिछड़े ना यार।